हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम अपने इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे टॉपिक रीजंस फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करा हुआ है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट। हमारा टॉपिक है व्हाट आर द रीजंस ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। बेटा क्या रीज़न हो सकते हैं इतना ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होने का। सबसे पहली चीज़, पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों बढ़ी है ना, उसका रीज़न है लाइफ स्पैन बढ़ गया। अब लाइफ स्पैन क्यों बढ़ा है वो हम बात करेंगे अभी। इंक्रीज्ड लाइफ स्पैन, राइट। लाइफ स्पैन क्यों बढ़ा है, बिकॉज इसका रीज़न क्या हो सकता है बेटा। पहली चीज़, डिजीज़ की कंट्रोल होनी शुरू हो गई। डिजीज़ दे आर कंट्रोल्ड। क्यों कंट्रोल्ड हैं, बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। बेटा वैक्सीनेशन आपको पता है ना, वैक्सीनेशन में क्या होता है, बेबी को हम माइल्ड फॉर्म में अगर हम वायरस से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सपोज़ किसी के या पोलियो वायरस है या कोई भी है ना, तो उसको हम माइल्ड फॉर्म में वो वायरस उसकी बॉडी में वीक फॉर्म में डेड फॉर्म में डलवा कर आते हैं, जिससे उसकी बॉडी को फूल बनाया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है कि उसकी बॉडी में एक्चुअल का वायरस आ चुका। लेकिन ऐसा हुआ नहीं होता, पर उसकी बॉडी अपने आप के लिए, अपने खुद के लिए क्या बना लेती है बेटा, अंदर मेमोरी सेल्स एंटीबॉडीज बना लेती है और उसको प्रोटेक्शन मिलती है जब वो एक्चुअली में असली में इनकाउंटर करेगा, है ना। तो सोचो ये चीज़ कैसे हुई, बाय वैक्सीनेशन। अनदर क्या रीज़न है बेटा, एजुकेशन का स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। अब लोगों को पता चल चुका है कि व्हाट आर द बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, है ना, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस क्या हैं। अच्छा, एसटीडीज़ का बहुत अच्छा क्योर होना शुरू हो गया। अब सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ का क्योर बहुत सही है इसके कारण भी। अच्छा, बच्चे की बहुत अच्छी केयर होती है डिलीवरी के बाद, मदर की बहुत अच्छी केयर होती है, बेटर पोस्ट नेटल केयर, राइट, और मदर की बहुत अच्छी केयर होती है, राइट, और मेडिकली असिस्टेड, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज के कारण। क्लियर। और इसके अलावा बेटा अगर हम देखें कि लाइफ स्पैन इसलिए बढ़ा है क्योंकि हमें प्रोटेक्शन भी मिलनी शुरू हो गई फ्रॉम नेचुरल कैलामिटी। अब कोई भी नेचुरल कैलामिटी पहले आनी होती है तो पहले से ही कुछ ऐसी फोरकास्टिंग होनी शुरू हो जाती है कि कुछ इस तरह सा होने वाला है, राइट, उसके कारण डेथ रेट कम हुआ, राइट। सो प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल कैलामिटी, राइट। और इसके अलावा नेक्स्ट बेटा जो है दैट इज़ द बेटर ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटर होने के कारण अगर सपोज़ कोई फैमाइन पड़ गया, कुछ सूखा पड़ गया, है ना, कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई जब खाना नहीं अवेलेबल, तो बेटा ट्रांसपोर्ट के कारण हम मूव कर सकते हैं कहीं और प्लेसेस पे। सो बेटर ट्रांसपोर्ट। और इसके अलावा बेटा एग्रीकल्चर में जो एडवांसमेंट हुई है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट हुई होगी तो नेचुरली वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। हम फूड के लिए बहुत सेल्फ सफिशिएंट होंगे, और अगर हम फूड के लिए बहुत सेल्फ सफिशिएंट होंगे तो हमारे पास बहुत अबंडेंट फूड सप्लाई होगी, और अगर अबंडेंट फूड सप्लाई होगी तो देयर मस्ट बी कि एटलीस्ट कि भूख के कारण तो डेथ होने वाली नहीं है, राइट। सो अबंडेंट फूड सप्लाई लीड्स टू इंक्रीज इन लाइफ स्पैन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट। सेकेंड रीज़न इज वही डिक्रीज्ड इन MMR, दैट इज़ मैटरनल मोर्टैलिटी रेट, एंड IMR इज़ इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। ये मैं पीछे भी बता चुकी हूँ आप लोगों को लास्ट टॉपिक में कि मदर को क्यों इतनी डेथ नहीं हो रही, बिकॉज ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, एंड इन्फेंट्स की बिकॉज क्यों नहीं हो पा रही है, बिकॉज ऑफ द बेटर पोस्ट नेटल केयर, राइट। अब हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, दैट इज़ अ माल्थस थ्योरी। माल्थस थ्योरी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। माल्थस थ्योरी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट। बेटा एक साइंटिस्ट था, दैट इज एक्चुअली हम साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे, दैट इज़ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, राइट। ही उसने इन द ईयर 1798, साइंटिस्ट का नेम दैट इज़ माल्थस। माल्थस वॉज अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। उसने एक थ्योरी दी
राइट, किसके लिए थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. उसने क्या कहा, कहता कि जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है, ही सेड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोज ज्योमेट्रिकली. कैसे ग्रो कर रही है? ज्योमेट्रिकली ग्रो कर रही है. कैसे ज्योमेट्रिकली? कैसे? सी लाइक दिस, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. इस तरह से ग्रो कर रही है. राइट, कब ऐसे ग्रो करेगी? व्हेन अनचेक्ड. अनचेक्ड मींस जब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और वो ग्रो करी जा रही है. राइट, कोई इंसेंटिव्स नहीं है, कोई और रुकावटें नहीं है, कुछ नहीं है. तो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ ज्योमेट्रिकली ऐसे ग्रो करेगी. लेकिन उसके अकॉर्डिंगली जो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस है, रहने के मीन्स हैं, उसको जिंदा रखने के मीन्स हैं, सो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस वो कैसे इंक्रीज हो रहा है बेटा? वो ग्रो कर रहा है अरिथमेटिकली. राइट, वो कैसे ग्रो कर रहा है? अरिथमेटिकली. अरिथमेटिकली कैसे? लाइक दिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and so on. So population ग्रो कर रही है ज्योमेट्रिकली, means of subsistence ग्रो कर रहे हैं arithmetically. Right? तो अब सोच के देखो, naturally after some time क्या होगा? After some time इन दोनों में एक imbalance create हो जाएगा. Imbalance तो आएगा ही, क्योंकि population तो grow कर रही है geometrically और means of subsistence grow कर रहे हैं arithmetically. So after some time there comes imbalance, there arises an imbalance, right? तो imbalance किस किस के बीच में आ जाएगा? Obviously population और environment के बीच में imbalance आ जाएगा. और जब ये imbalance एक सर्टेन वैल्यू पे पहुंच जाएगा, सो व्हेन दिस इम्बैलेंस रीचेज अ सर्टेन वैल्यू, यानी कि बहुत ज़्यादा हद हो जाएगी, व्हेन दिस इम्बैलेंस रीचेज अ सर्टेन वैल्यू, तब क्या होएगा? तब बेटा कुछ ऐसी कंडीशंस लाइक हंगर, सम कंडीशंस लाइक हंगर, अर्थक्वेक, एपिडेमिक्स, हंगर, अर्थक्वेक्स, एपिडेमिक्स, फ्लड्स ही आएंगे. राइट, और ये सारी चीज़ें उस पॉपुलेशन को एक डिज़ायरेबल लेवल पे ले आएंगी, एंड दिस ब्रिंग्स पॉपुलेशन टू अ डिज़ायरेबल लेवल. राइट, तो एक वो डिज़ायरेबल लेवल पे आ जाएगी पॉपुलेशन. और आपको पता है माल्थस ने इन चीज़ों को, जैसे अर्थक्वेक, एपिडेमिक्स, फ्लड्स, हंगर को क्या बोला? उसने उसको पॉजिटिव चेक्स बोला. राइट, दीज फैक्टर्स विच कंट्रोल द पॉपुलेशन, विच ब्रिंग पॉपुलेशन टू डिज़ायरेबल लेवल, सो दीज फैक्टर्स आर नोन एज पॉजिटिव चेक्स, पॉजिटिव चेक्स बाय माल्थस. राइट, और सच अ कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, सच अ कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज कैटास्ट्रॉफिक कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन. कैटास्ट्रॉफिक समझते हो? कुदरत का प्रकोप. सो सच अ कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज कैटास्ट्रॉफिक कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन. और उसने ये जो फैक्टर्स थे उनको क्या बोला था? पॉजिटिव चेक्स बोला था. तो अब मैं आपको एक बार फिर ये सारी थियरी बता रही हूँ. बेटा माल्थस ने क्या कहा? माल्थस ने बताया कि कुछ ऐसी हम क्या कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो तो ग्रो कर रही है पूरी की पूरी, कैसे? ज्योमेट्रिकली. और मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस कैसे ग्रो कर रहे हैं? अरिथमेटिकली. डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम देयर कम्स एन इम्बैलेंस, और जब वो इम्बैलेंस एक सर्टेन लेवल पे आएगा तब क्या होगा? तब बेटा हंगर, अर्थक्वेक, एपिडेमिक्स, फ्लड्स, ऐसे फैक्टर्स पॉपुलेशन को डिज़ायर लेवल पे ले आएंगे. और इन फैक्टर्स को पॉजिटिव चेक्स बोला, और जो पॉपुलेशन कंट्रोल हुई है उसको बोला दैट इज़ द कैटास्ट्रॉफिक कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन. राइट, तो ये थी माल्थस की थ्योरी.
राइट। और अब हम बात करेंगे कि अगर सपोज पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या उसके इफ़ेक्ट्स हैं, राइट। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन के बढ़ने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे बेटा। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉवर्टी, यस ऑब्वियसली गरीबी बढ़ेगी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो, राइट। इतना काम नहीं होगा, इतनी फैसिलिटीज़ उतनी प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी, है ना, तो लोगों का स्टैंडर्ड वैसा नहीं हो पाएगा, तो पॉवर्टी गरीबी। सेकंड बेटा फूड सप्लाई, अगर पॉपुलेशन बहुत बढ़ेगी तो डेफिनेटली बेटा फूड की सप्लाई उनको वैसी प्रोवाइड कराने में मुश्किल होगी, राइट। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड की डिमांड भी बढ़ेगी, अगर डिमांड बढ़ेगी तो बेटा उससे फूड की शॉर्टेज होएगी, तो वैसे प्रोडक्शन भी तो करनी पड़ेगी ना, क्लियर, तो फूड सप्लाई भी कम हो जाएगी। सो एज पॉपुलेशन इंक्रीजेस डिमांड फॉर फूड इंक्रीजेस, अगर डिमांड पूरी नहीं होती तो डेफिनेटली सप्लाई कम होएगी, फूड सप्लाई कम होएगी तो उतना अवेलेबल फूड नहीं हो पाएगा पॉपुलेशन को, राइट। नेक्स्ट इज बेटा अगर पॉपुलेशन बहुत होएगी हाउसिंग प्रॉब्लम, है ना, झुग्गी झोंपड़ी वगैरह में जो लोग रहते हैं स्लम एरियाज़ में वहाँ रहेंगे, और जितने ज़्यादा स्लम एरियाज़ में होंगे उतनी अनहाइजीनिक कंडीशंस होंगी, तो हाउसिंग प्रॉब्लम रहेगी ऑब्वियसली। अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो फिर वो उतना ज़्यादा बेटा हाइजीनिक प्रॉब्लम भी तो रहेंगी, गंद ज़्यादा नहीं होगा, राइट। पॉपुलेशन बहुत है तो हर जगह वही लिटर वगैरह, हर जगह जो है वही ऑब्वियसली गंद ज़्यादा होगा, तो हाइजीनिक प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, क्योंकि वैसे भी अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वो झुग्गी झोंपड़ी वगैरह बनाकर रहेंगे, तो हाइजीनिक प्रॉब्लम्स रहेंगी। अच्छा अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा, चाहे वो किसी तरह का भी हो, वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, हर तरह का पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो उतने चांसेस नहीं मिल पाते, जॉब फैसिलिटीज़ नहीं हो पाती, राइट, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी। सो पॉवर्टी, फूड सप्लाई, हाउसिंग प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, अनहाइजीनिक कंडीशन, राइट, पॉल्यूशन, और इसके अलावा है एजुकेशन, यस बेटा एजुकेशन, वो हम जैसे वो कम हम कहते हैं ना कि एक अच्छी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड हो पाएगी, नहीं मिल पाएगी, हालांकि हमारे इंडिया की गवर्नमेंट ने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन करी हुई है अप टू क्लास 8, राइट। तो टीचर्स इवन घर से लेकर आते हैं बच्चों को पकड़ कर कि तुम आओ और स्कूल में पढ़ो, इट्स अ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इवन दे आर प्रोवाइडिंग मिड डे मील ऑल्सो, राइट। सो स्टूडेंट्स ये था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अब हम बात करेंगे बर्थ कंट्रोल की, यस अपना नेक्स्ट टॉपिक है बर्थ कंट्रोल, राइट। बेटा बर्थ कंट्रोल का मतलब, बर्थ कंट्रोल का मतलब कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को क्या करना है, प्रिवेंट करना, राइट। तो बर्थ कंट्रोल कैसे कैसे किया जा सकता है पहले हम ये देखते हैं, या तो ऐसे करते हैं स्पर्म और वोमन को मीट नहीं होने देते, या इम्प्लांटेशन नहीं होने देते, या फिर ऐसा करते हैं कि स्पर्म को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देते, बस वही हो गया मीट नहीं होने देना, एंड एक हम कर सकते हैं हम ओवुलेशन ही ना होने दें, राइट। तो ये तीन मेथड्स हैं जिसके थ्रू तीन चीज़ें हमने, हमारे पास तीन कह सकते हैं मेथड्स हैं जिसके कारण हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीज़ों को हम रोक सकते हैं, राइट। कैसे, एक तो फर्स्ट है प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, हम ओवुलेशन ही ना होने दें, याद है ना ओवुलेशन किस डे पे होती है, 14th डे पे होती है, राइट। एंड प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे, या फिर स्पर्म और ओवम की मीटिंग नहीं होने देंगे, स्पर्म एंड ओवम ट्रांसपोर्ट को रोक देते हैं, या स्पर्म ट्रांसपोर्ट टू ओवम लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ओवम की ट्रांसपोर्ट तो हम रोक ही चुके हैं ना, ये प्रिवेंटिंग ओवुलेशन हम रोक ही रहे हैं, हम ये कह सकते हैं स्पर्म प्रिवेंशन ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट अप टू द ओवम,
राइट। और बेटा इन चीज़ों के लिए काफ़ी सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, राइट। देर आर सो मैनी कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स, लेकिन बेटा एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड वही होगा जिसके जो ये फॉलोइंग कंडीशंस पूरे करेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये आता है क्वेश्चन, वॉट आर द कंडीशंस ऑफ अ गुड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। सो दीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय कॉन्ट्रासेप्टिव्स, राइट। एंड एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मस्ट हैव फॉलोइंग, एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। बेटा पहली बात, जो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होगा ना वो यूजर फ्रेंडली होगा, राइट। इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, राइट। सेकंड बेटा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, नो साइड इफेक्ट्स, राइट। और बेटा वो बहुत वो चीप होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, राइट। इट शुड बी चीप और मे बी इट शुड बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, राइट। और फोर्थ बेटा, वो किसी भी तरह से जब वो यूज़ कर रहे हैं, कपल्स उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो उनकी सेक्सुअल डिज़ायर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट इंटरफेयर इन द सेक्सुअल डिज़ायर, इन द सेक्सुअल डिज़ायर ऑफ द कपल, राइट। और वो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में, इट शुड बी ईजिली अवेलेबल, राइट। और एक अच्छा जो कॉन्सेप्टिव होगा वो उसको प्रोटेक्शन भी देगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम STDs, राइट। और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली जो सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव है वो है कॉन्डम, बिकॉज इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट STDs ऑल्सो, राइट। एंड लास्ट, इट शुड बी ईजिली रिमूवेबल, इट शुड बी ईजिली रिमूवेबल, तो वो रिमूव भी ईजिली हो जाना चाहिए। तो ये कुछ हमारे पास हम कह सकते हैं कंडीशंस हैं फॉर अ गुड कॉन्ट्रासेप्टिव, गुड कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड के या एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के, राइट। अब हम बात करेंगे मैथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, मैथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा दो तरह के मैथड्स हैं हमारे पास, एक हैं टेम्परेरी मैथड्स और एक हैं परमानेंट मैथड्स। बेटा जो टेम्परेरी मैथड्स हैं ना उसको हम कहते हैं बेसिकली टू स्पेस बिटवीन द चिल्ड्रन, स्पेसिंग मेथड भी बोलते हैं। यानी कि अगर कपल के पास ऑलरेडी एक बेबी है और वो नेक्स्ट बेबी के बीच में और अपने पहले बेबी के बीच में थोड़ा स्पेस चाहते हैं, दे वांट सम 3, 4 or 5 और मैनी ईयर्स, राइट, तो दे विल यूज़ द टेम्परेरी मेथड्स। और परमानेंट मेथड्स, इफ़ दे हैव ऑलरेडी प्लान देयर फैमिली, नाउ दे डोंट वांट टू हैव एनी फर्दर बेबी, देन दे शुड ऑप्ट फॉर द परमानेंट मेथड। और इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल, बस ये एंड है, उसके बाद फिर वो इसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे, ये परमानेंट मेथड है, राइट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे टेम्परेरी मेथड की, टेम्परेरी मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल। क्लियर, टेम्परेरी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो दिस इज बेसिकली टू पोस्टपोन और टू स्पेस बिटवीन द चिल्ड्रन और बर्थ्स भी लिख सकते हो, राइट। सो टेम्परेरी मेथड में हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं, हमारे पास टेम्परेरी मेथड्स में है नेचुरल मेथड है, हमारे पास एक है बैरियर मेथड, राइट,
और हमारे पास बहुत सारे मेथड ऐसे तो राइट, बैरियर मेथड है, नेचुरल मेथड है, तो हम यहाँ पे अभी केमिकल मेथड्स हैं, काफ़ी सारे हैं, लेकिन हम पहले बात करेंगे ओनली फर्स्ट दैट इज़ द नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड में आप कुछ भी यूज़ नहीं करना, कपल को उनको नेचुरली कॉन्ट्रासेप्शन अचीव करनी है, राइट। सो ये जो नेचुरल मेथड है ना, ये कैसे वर्क करते हैं, बट दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ मीटिंग ओवम एंड स्पर्म। ओवम और स्पर्म की मीटिंग ही नहीं होने देनी, नेचुरली मीट नहीं होने देना उनको। फर्स्ट मेथड इज नेचुरल, सो दे वर्क बाय प्रिवेंटिंग मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो किसी भी तरीके से नेचुरली, लेकिन कुछ यूज़ किए बिना स्पर्म एंड ओवम को मीट नहीं करने देना। तो पहला मेथड क्या था, नेचुरल मेथड। इसके आगे मेथड्स और हैं नेचुरल के, कौन सा पहला है, रिदम मेथड। रिदम मेथड बेटा, इसको एक हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियोडिक एब्सटिनेंस, अब इसमें क्या होता है, पीरियोडिक मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड पे एब्सटिनेंट करना, मतलब अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स। बेटा जो कपल्स होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए कॉपुलेशन इफ़ दे वांट टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी नेचुरली। तो उनको डे 10 टू डे 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का, आपको याद है पहले 5 डेज तो ब्लीडिंग फेज होता है, उसके बाद देन फॉलिकुलर फेज शुरू हो जाता है, 14th डे पे एग रिलीज होता है। स्टिल कई बार बेटा इरेगुलर साइकिल्स होते हैं, तो वैसे भी इस वीक को हम कहते हैं कि इट इज़ फर्टाइल वीक। इसको प्रिवेंट करना चाहिए कपल्स को इफ़ दे वांट टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। सो 10th डे टू 17th डे इसमें बेटा ओवुलेशन एक्सपेक्ट करी जा सकती है, राइट, बिकॉज ओवुलेशन कैन बी एक्सपेक्टेड इन दिस। सो कपल्स शुड प्रिवेंट मेटिंग फ्रॉम डे 10 टू डे 17, जस्ट अ वीक, राइट, क्योंकि इस पीरियड में चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत होंगे, क्योंकि ये फर्टाइल पीरियड होता है, राइट। और अगर कपल्स इस पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स को प्रिवेंट करें तो बेटा कंसेप्शन भी नहीं हो पाएगी। कंसेप्शन मतलब बेबी की यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी और इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी। तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रा ऑपोजिट हो गया सेप्शन के, कॉन्ट्रासेप्शन हो गया ना, कॉन्ट्रा होता है ऑपोजिट, सेप्शन होता है कंसीव करना, तो वो कंसीव नहीं कर पाएगी लेडी, राइट। तो जो फर्स्ट 7 डेज होते हैं आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट 7 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्स्ट 7 डेज बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो सेफ पीरियड होता है। तो देखो फर्स्ट 7 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 डेज के लिए है तो 4 डेज के बाद अगले 7 दिन दे आर सेफ, राइट। एंड 7 डेज बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल ये सेफ होता है, उसके बीच वाला जो पीरियड होता है वो सारा अनसेफ पीरियड है, राइट। सो फर्स्ट 7 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड 7 डेज बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड द सेफ पीरियड, बिकॉज इन दीज 14 डेज बेटा ओवम तो होगा ही नहीं ना, ओवम तो इन दिनों में ही होगा, राइट। बिकॉज इन दीज 14 डेज ओवम इज एब्सेंट, अगर ओवम होगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होएगी ही नहीं, चाहे स्पर्म्स अवेलेबल हों, राइट। तो एक्चुअली जो ओवम होता है वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं होता, क्लियर बेटा। लेकिन ये मेथड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज मोस्टली जो लेडीज़ होती है उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, सो इट इज़ वेरी नॉट मच रिलायबल, नॉट मच इफेक्टिव। और वो हमें पता है रीज़न क्यों, बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल दे आर नॉट रेगुलर बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। राइट, नेक्स्ट है इसी का ही नेचुरल मेथड का बी पार्ट, दैट इज़ लैम। व्हाट इज़ लैम बेटा, लैम की फुल फॉर्म होती है लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड, लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड।
अब ये क्या चीज़ है बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लैम। इसका मतलब है बेटा लैक्टेशनल, जब मदर फीड कर रही होगी बेबी को, ए मिनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, राइट। सो ये है, इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन पीरियड, ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन, जब मदर इंटेंस लैक्टेशन पीरियड में होएगी तब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जब मदर फीड कर रही होती है तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल में उसकी बॉडी में क्या होता है बेटा, प्रोलैक्टिन होता है। आपको पता है ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिल्क इजेक्शन के लिए होता है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल में प्रोलैक्टिन होना तो वो क्या करेगा बेटा, अगर हाई लेवल प्रोलैक्टिन होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को वो क्या कर देता है, इनहिबिट। हाई प्रोलैक्टिन इट इनहिबिट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो लैक्टेटिंग मदर में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा, स्टॉप होएगा, राइट। जो लैम होता है LAM, दैट इज लैक्टेशन एमिनोरिया मेथड बेटा, इट इज़ बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट अगर ओवुलेशन ही नहीं होएगी, राइट, दैट ओवुलेशन एंड देयरफॉर साइकिल डू नॉट अकर। बेटा ओवुलेशन भी नहीं होगी, साइकिल भी नहीं होगा बिकॉज ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, क्योंकि बेटा पार्चुरेशन के बाद, बेबी की डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा हार्मोन जो पीक पे जाना है वो कौन सा जाएगा, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। इन हार्मोन्स के कारण ना तो ओवुलेशन होती है क्योंकि ये ब्लड में काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, और ना ही क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। बट ये सिर्फ इंटेंस लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे मैं बोल रही हूँ, जब मदर बेबी को कंटिन्यूसली मिल्क फीड कर रही है और कुछ नहीं, राइट। बस ये पार्चुरेशन के बाद ही होता है, और इसलिए मानते हैं कि जब तक मदर बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रही है, फुली कर रही है, तब उसके चांसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के क्या होते हैं, चांसेस ऑफ कंसेप्शन के क्या होते हैं, ऑलमोस्ट निल, ज़ीरो। सो व्हेन द मदर फीड्स द बेबी, ब्रेस्ट फीड्स द बेबी फुली, देन द चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर निल, चांसेस क्या होंगे, बिल्कुल निल होंगे। बट आपको मैं फिर भी ये बता दूँ कि ये जो मेथड है दिस इज़ ओनली इफ़ेक्टिव, दिस ऐसा नहीं है कि मदर अगर टू इयर्स तक फीड करेगी तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन निल होंगे, नो। दिस मेथड इज़ ओनली इफेक्टिव अप टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months, दैट्स इट, राइट। बस पार्चुशन के 6 महीने बाद ये तक इफेक्टिव होता है, राइट, क्योंकि बेटा इसमें कोई मेडिसिन यूज़ नहीं हुई है ना, कोई भी इवन कोई डिवाइस यूज़ नहीं हुआ है, तो बेटा इसके क्योंकि चांसेस बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे ही नहीं, राइट। लेकिन बेटा ये बात और भी बता दूँ, पर इसमें प्रेगनेंसी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मदर एक बारी जब डिलीवर आउट कर देती है बेबी को तो उसकी जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, नॉर्मल होने में 3 months लग जाते हैं मोस्टली। जैसे बेबी की डिलीवरी हुई उसके बाद, मैंने बताया था डिलीवरी के बाद अगर तो नॉर्मल सेक्शन हो, नॉर्मल डिलीवरी हो तो 40 days तक ब्लीडिंग रहती है, उसके बाद अगर सिजेरियन सेक्शन हो तो 11 से 12 दिन तक पीरियड्स रहते हैं, राइट, ब्लीडिंग रहती है। तो उसके बाद अभी ये वाली ब्लीडिंग ख़त्म होने के बाद मदर के पीरियड्स को नॉर्मल होने में लग जाते हैं कुछ 3 से 4 महीने। तो जब वो नॉर्मल हो जाएंगे तो बेटा तब चांसेस हो सकते हैं बेबी होने के, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं है, इफेक्टिव अप टू मैक्सिमम 6 months है ये, लेकिन बेटा चांसेस फेलियर के भी बहुत ज़्यादा हैं, चांसेस ऑफ फेलियर ऑल्सो देव और ऑल्सो हाई। सो जो पुराने बुजुर्ग कहते थे अगर कि जब तक मदर बेबी को फीड कर रही है, ब्रेस्ट फीड कर रही है, कि ना वो नेक्स्ट अभी मदर नहीं बन पाएगी, नो देयर इज़ नो चांस ऑफ हैविंग नेक्स्ट प्रेगनेंसी, तो ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर्स ए इवन द डॉक्टर दे सेड, वो बेटा जो डिलीवर आउट बेबी होता है उसके बाद उसके मदर को ये बता देते हैं कि यू जस्ट डोंट फेथ, राइट, फेथ ऑन द
दैट एल्डरली पीपल जो बोलते थे उन पे फेथ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता. दिस इज़ इफेक्टिव नो डाउट, बट ये ज़रूरी भी नहीं होता. राइट, नेक्स्ट है इसी का ही नेचुरल मेथड का नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट, दैट इज़ विदड्रॉल मेथड. विदड्रॉल मेथड, सो विदड्रॉल मेथड में क्या होगा, एज अ नेम इंडिकेट, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं कोइटस इंटरप्टस. कोइटस इंटरप्टस मतलब, कोइटस क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, इंटरप्ट होना बीच में, इंटरफेयर होना. बेटा क्या होता है इसमें, जो मेल पार्टनर होता है, जो मेल पार्टनर होगा दैट विल विदड्रॉ द पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन. इट विदड्रॉ द पेनिस फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, यानी कि सीमेन रिलीज करने से पहले वो पेनिस को ही विदड्रॉ कर लेगा. राइट, ताकि क्या ना हो सके, फीमेल की बॉडी में इंसेमिनेशन ना हो सके. इंसेमिनेशन क्या था, दैट इज़ द, इंसेमिनेशन इज़ द इंसर्शन ऑफ द सीमेन इन साइड द फीमेल्स बॉडी. इजैकुलेशन इज़ अ रिलीज ऑफ द सीमेन, लेकिन इन साइड द फीमेल बॉडी अगर बोलो तो टर्म यूज़ होएगी इंसेमिनेशन. बट ये मेथड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है. राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए नहीं, बिकॉज इजैकुलेशन टाइम इज़ वेरी प्लेजेंट फॉर द मेल पार्टनर एंड इवन फॉर द फीमेल. राइट, और समटाइम ऐसा हो सकता है कि समटाइम कि मेल ने तो पेनिस को विड्रॉ कर लिया, लेकिन समटाइम बिफोर इजैकुलेशन के पहले ही जो फ्लूइड जाएगा उसमें से कई बार, उसमें कई बार स्पर्म्स चले जाते हैं. देखो वैसे तो मेल ने पेनिस को विड्रॉ कर ही लिया, लेकिन समटाइम विड्रॉल से पहले ही पास हो जाते हैं वजाइना में. सो सम स्पर्म्स कैन पास बिफोर इजैकुलेशन. सो फिर चांसेस हो जाएंगे ना, चांसेस हो जाएंगे किसके, फर्टिलाइजेशन के, है ना. तो ये था बेटा नेचुरल मेथड. तो हमने आज अपनी इस वीडियो में ये जो स्टार्ट करा था टॉपिक, वो था दैट इज़ रीजंस फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ. पहले वो करा माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, देन उसके बाद बर्थ कंट्रोल. बर्थ कंट्रोल में बताया था तीन तरीके से, या ओवुलेशन रोक दो, या स्पर्म को पहुँचने दो ओवम तक, या ओवुलेशन को ही रोक दो. राइट, तो फिर उसके बाद हमने करे थे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है उसके क्या क्या फीचर्स होंगे. फिर हमने स्टार्ट करे है बर्थ कंट्रोल मेथड्स, दो तरह के थे, टेम्परेरी और परमानेंट. हमने टेम्परेरी स्टार्ट करे हैं. टेम्परेरी में फर्स्ट स्टार्ट करा था नेचुरल. नेचुरल में आगे तीन पड़े हैं, एक तो रिदम मेथड, उसको हम पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बोलते हैं, एक विदड्रॉल मेथड जिसको हम कोइटस इंटरप्टस बोलते हैं, और एक लैम जिसको हम लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड बोलते हैं. डन, राइट. जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में.